इंडिया में कई सारे एग्जाम्स के बारे में आप सभी को पता होगा, जेई हो गया, नीट हो गया, एनटीएससी हो गया, आईजेएसओ हो गया, केवीपीवाई हो गया, लेकिन एक एग्जाम ऐसा है जो बहुत ही शानदार एग्जाम है। मैं इसको इंडिया में अंडरग्रेड से मतलब पहले यानी 12th लेवल तक सबसे बेस्ट एग्जाम मानता हूँ, कंट्री में, पूरे कंट्री में बेस्ट एग्जाम मानता हूँ, ठीक है। एंड दैट एग्जाम इज नन अदर देन एस्ट्रोनॉमी ओलम्पियाड, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि भाई यार इस एग्जाम में तो पता नहीं क्या एस्ट्रोनॉमी में पता नहीं क्या क्या आता होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। काफी सही एग्जाम है, स्पेशली अगर आप फिजिक्स और मैथमेटिक्स एंथुसियास्ट है। पूरा अच्छे से डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा मैं। मैंने इस एग्जाम को 2 बार अटेम्प्ट किया था। एक बार मैंने अटेम्प्ट किया था जब मैं क्लास 9th में था, तब इसका एक जूनियर वर्जन होता है। तो इसके अंदर क्या है, मल्टीपल स्टेजेस होते हैं इस ओलम्पियाड के। उसका जो थर्ड स्टेज होता है जिसमें आप इंटरनेशनल मतलब बेसिकली क्या होता है, इसमें फर्स्ट स्टेज होता है जिसमें 300 बच्चों को शॉर्टलिस्ट करते हैं। सेकंड स्टेज एक होता है जो रिटर्न पेपर होता है, उसमें लगभग 20 to 30 बच्चों को शॉर्टलिस्ट करते हैं। फिर एक थर्ड एक कैंप होता है मुंबई में इस एग्जाम में, जिसमें इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए 5 to 6 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है, और फिर ये लोग जाके फाइनली एग्जाम देते हैं इंटरनेशनल ओलम्पियाड, जिसमें जैसे अपने ओलंपिक्स नहीं होते उस तरह से। तो मैं जब 9th में था तो मैं यहाँ तक पहुँच गया था। उसके बाद हालांकि मैं इंडिया की टीम में, सॉरी हाँ, थर्ड स्टेज तक मैं पहुंचा था, लेकिन मैं हालांकि इंडिया की टीम में सेलेक्ट नहीं हो पाया था। उसके बाद मैं जब 12th में था तब मैंने वापस से एग्जाम दिया था, और इसमें जो सेकंड स्टेज था इसमें मैं ऑल इंडिया में आई थिंक मेरी फर्स्ट रैंक थी, 91% अपने रहे थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ यार कि जो कैंप था ना उसमें मैं गया ही नहीं, क्योंकि मेरा जेई का तब रिजल्ट आ रखा था। मतलब जेई का, जेई एडवांस और जेई मेन के बीच का जो समय होता है ना वो चल रहा था तब। तो मैं अब जेई एडवांस की तैयारी करूँ कि ओलंपियाड में जाऊँ, प्लस मेरा जेई मेन का रिजल्ट भी था, उसमें अपनी फर्स्ट रैंक आई थी, तो मुझे पता था कि काफ़ी पब्लिसिटी भी होगी। तो मैंने सोचा उदयपुर में अपने होम टाउन में ही रहते, कैंप को अभी के लिए जाने देते हैं। तो ये मेरी परफॉर्मेंस रही थी, काफ़ी कुछ नॉलेज है एग्जाम का कैसे होता है, इवन लास्ट स्टेज तक सब बताएंगे। लेकिन यार एक बार सब्सक्राइब सभी अच्छे कर लीजिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की और वीडियोस देखने को मिले और आप अपने करियर में, अपनी स्टडीज में और बेटर कर पाए, ठीक है। तो अब इस एग्जाम में क्या क्या फायदे हैं, सबसे पहला ये कि मुझे लगता है इंडिया का वन ऑफ द इजिएस्ट ओलंपियाड है। इजिएस्ट क्यों, क्योंकि इसमें पहली बात कंपटीशन थोड़ा लेस है, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल अपियर फॉर आईजेएसओ और फॉर आईपीएचओ और फॉर आईएमओ, बट नॉट अ लॉट ऑफ पीपल अपियर फॉर एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड। सेकंड, इसके अंदर नॉलेज जो रिक्वायर्ड होता है ना वो काफी एलिमेंट्री होता है। फिजिक्स और मैथ्स का नॉलेज अगर आपको है आप अच्छा कर लोगे। अब जैसे आईपीएचओ आपको करना है तो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्ड नॉलेज होना चाहिए फिजिक्स का, आपको आईएमओ करना है तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए मैथमेटिक्स। लेकिन यहाँ पे इवन इफ यू आर डिसेंट, लेट्स से एक जेई एडवांस के अंदर एक ठीक ठाक रैंक लाने वाला बच्चा जो होता है, या जूनियर लेवल पे बात करें तो एक लेट्स से एनटीएससी में ठीक ठाक रैंक लाने वाला जो बच्चा होता है, दे ऑल्सो हैव द रिक्वायर्ड नॉलेज नीडेड टू क्रैक दिस एग्जाम, समझ रहे हो। तो इतना कोई खास नॉलेज नहीं चाहिए होता है। और एस्ट्रोनॉमी जो आती है वो बहुत ही बेसिक होती है, ठीक है, वो भी मैं बता दूंगा क्या क्या आती है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टेलेशंस के बारे में आप थोड़ा पढ़ सकते हो कि भाई जो मेन मेन कॉन्स्टेलेशंस होते हैं स्काई में उनमें कौन कौन से मेन स्टार्स होते हैं, कैसे दिखते हैं, क्या उनके नाम है, क्या उनकी लोकेशंस है स्काई में, थोड़ा बहुत ये, थोड़ा बहुत आपका जो ये ऑर्बिटल मैकेनिक्स जिसको कहते हैं, ऑर्बिटल मैकेनिक्स कि भाई जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटेशन है उसमें हम पढ़ते हैं ना केपलर्स लॉ हो गए या एंगुलर मोमेंटम हम पढ़ते हैं, इस तरह की चीज़ें समझ लो कि एक सन है उसके चारों ओर जैसे प्लैनेट्स ऑर्बिट कर रहे हैं तो भाई इसकी क्या वेलोसिटी होगी, इसकी क्या वेलोसिटी होगी, यहाँ से सैटेलाइट छोड़े तो क्या चाहिए होगी, इसके पैरोलिट समझ, इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें जो कि ग्रेविटेशन चैप्टर में और रोटेशन चैप्टर में कवर हो जाती है, उस तरह की जो ऑर्बिटल मैकेनिक्स वाली चीज़ें हैं मोस्टली, ये बस इसके आगे कोई बहुत ज़्यादा इतना नहीं आता है। मतलब बाकी आपका लेट से कोई ऐसी चीज़ पूछ लेंगे कि भाई जैसे कोई स्टार है उसका टेम्परेचर इतना है बताओ कितनी एनर्जी आ रही है, तो वो क्या थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन हो गया आपका, है ना, बोल्ट्जमैन लॉ वगैरह इन सब के क्वेश्चन हो गए। तो सिंपल फिजिक्स और मैथ्स आती है, थोड़ा सा बस एस्ट्रोनॉमी का कॉन्टेक्स्ट लगा देते हैं। तो फर्स्ट स्टेज जो होता है ना इसका, उसमें तो एस्ट्रोनॉमी की जरूरत भी नहीं है, उसमें आपको फिजिक्स और मैथ्स अच्छी आती है ना अपने, अगर आप सीनियर है तो जेई लेवल पर, जूनियर है तो अपना एनटीएससी या आईजेएसओ लेवल पर, बस इनफ है। सेकंड स्टेज में थोड़ी एस्ट्रोनॉमी आती है 10-20-30%, उसमें आप ये पढ़ के चले जाते हो बहुत अच्छा हो जाता है। मैं आगे वीडियोज और बना दूंगा इसके बारे में। तो ये ईजी है, इसमें फिजिक्स और मैथ्स प्रीडोमिनेटली आता है, प्लस इसकी रेपुटेशन अच्छी है इंटरनेशनली, ठीक है। तो अगर आपके पास इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड में मेडल है तो यार लोग नोटिस करते हैं कि यार एस्ट्रोनॉमी में इसके पास मेडल है, वाह भाई, मतलब तो कुछ अलग लगता है, ऐसा लगता है कि भाई बंदा नासा ही चला जाएगा अगली बार, राइट, थोड़ा एक अलग फील आता है, इट फील्स गुड। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा आईएनएओ के अंदर, आईएनएओ के अंदर जब मेरी फर्स्ट रैंक आई थी इन सेकंड स्टेज 91% तब आया था, तो मेरे को बहुत अच्छा फील होता है कि भाई मैं एक ओलंपियाड, वो भी एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड में मैं 91% ला चुका हूँ। जो लोगों के बोर्ड एग्जाम में नंबर आते हैं वो मैं ओलंपियाड में लाया था, मुझे अच्छा लगता है कि यार ये चीज़ मैंने की हुई है। वहाँ पे मुझे किसी ने ये भी बताया था कि जब वो कैंप चल रहा था तो वहाँ पे लोगों ने अनाउंस किया था कि भाई हमारे कैंप का एक बच्चा जो आया नहीं है वो जेई में फर्स्ट रैंक लाया है, तो
मुझे अच्छा लगता है यार कि मैं इन लोगों के बीच में रह के आया। और जो OCST के अंदर जो चीजें होती है ना, अच्छा हाँ नेक्स्ट पॉइंट, काफी इंटरेस्टिंग भी होता है ये, ठीक है। रेपुटेशन में एक चीज़ और, किसकी इंटरनेशनल रेपुटेशन अच्छी है, अगर आपके पास लेट से एक मेडल आ जाता है इसमें, तो आपको इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी एडमिशन वगैरह लेने उसमें काफ़ी हेल्प हो जाती है आपकी, ठीक है। जो IPHO या IMO के थ्रू करना या IGS के थ्रू करना काफ़ी डिफिकल्ट है, क्योंकि रिलेटिवली कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड इज एन एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग इवेंट। मुझे आज भी, मतलब मैं जब OCST कैंप में गया था, तब मुझे आज भी याद है कि अपना एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड के कैंप में क्या क्या हुआ था। मुझे IGSO के कैंप का कुछ याद नहीं इतना, क्योंकि वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं था, समझ रहे हो। एस्ट्रोनॉमी का कैंप इतना इंटरेस्टिंग था, हमें ऐसी ऐसी जगह लेके गए थे जहाँ पे आपको एस्ट्रोनॉमी की इतनी यूनिक चीज़ें दिखाई जाएंगी आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक ऑब्जर्वेटरी इंडिया में पुणे में, GMRT नाम करके, वहाँ पे हर कोई नहीं जा सकता है। हमें स्पेशल एक्सेस के थ्रू लेके गए और वहाँ पे हमने ऑब्जर्वेशन वगैरह की, स्टार्स वगैरह की, तो आपको इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें देखने को मिलती है जो आप फिल्मों में नहीं देखते हो कि भाई कोई टेलीस्कोप से क्या ही देख रहा है, वो सब हमने सच में देखा था। इसके अलावा जो ओवरऑल ये सब चीज़ें भी होती है, इसमें जो फिजिक्स वाला पोर्शन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। जैसे IPHO वगैरह में क्या है, अब जैसे क्वांटम का कुछ आ गया या ऑप्टिक्स, इनमें इतना मज़ा नहीं आता है। या IMO के अंदर जैसे जो क्वेश्चंस आते हैं, दे आर इंटरेस्टिंग बट यार ठीक है, बहुत थ्योरेटिकल होता है, दिस इज वेरी प्रैक्टिकल स्टफ। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम होता है, और ये आपकी जो एग्जिस्टिंग एग्जाम्स है JEE वगैरह के साथ भी काफ़ी अलाइन करता है। इसमें केवल आपको थोड़ी सी एस्ट्रोनॉमी और पढ़नी है, जो इतनी सच बताओ तो इतना, इट्स नॉट समथिंग वेरी आउट ऑफ द वर्ल्ड, इट्स वेरी सिंपल, काफ़ी सिंपल बेसिक चीज़ें। मतलब कुछ कॉन्स्टेलेशन के नाम याद करने हैं, थोड़ा सा ग्रेविटेशन को डिटेल में पढ़ना है, बस इट्स वेरी सिंपल, ओके। तो ये एग्जाम मुझे बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी इजी टू क्लियर, काफ़ी सिखाने वाला एग्जाम है, ठीक है। इसका आप सेकंड स्टेज का पेपर अगर देखोगे ना INAO का, आपको इतना मज़ा आएगा उस पेपर को पढ़ने में ही, तुम्हें मज़ा आ जाएगा, ऐसा लगेगा अभी हम कोई मिस्ट्री नॉवल टाइप कुछ कर रहे हैं। तो डू चेक दिस आउट, दिस एग्जाम आउट, बहुत मज़ा आपको आएगा। और अगर आपको इस एग्जाम की तैयारी करनी है, तो आप हमारे कोर्सेज में एनरोल हो सकते हो। हमारा IGSO का कोर्स आता है और हमारा जो JEE फाउंडेशन का कोर्स आता है, उसमें आपको काफ़ी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो आपको इस एग्जाम के लिए अपने आप तैयार कर देंगी। एस्ट्रोनॉमी के लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, अगर आपकी रिक्वेस्ट मुझे कमेंट से बताओ को चाहिए या नहीं, जिसमें मैं बता दूंगा कि इन चीज़ों का क्या करना है। जो एस्ट्रोनॉमी वाला पोर्शन है उसमें आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है, क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको समझा दूंगा, बस वो कर लेना। बाकी आपको केवल अपना फिजिक्स और मैथ्स, जो आपका नॉर्मल JEE या IGSO का प्रिपरेशन है ना, बस वही करना है, आपका हो जाएगा। तो इफ़ यू वॉन्ट टू प्रिपेयर विथ मी, देन यू शुड डेफिनेटली चेक आउट आर कोर्सेज फॉर योर जूनियर प्रिपरेशन। NTEC का कोर्स है हमारा, मैथ्स ओलम्पियाड का है, IGSO का है, JEE फाउंडेशन का भी अपने पास अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, मुझसे आप सीखेंगे। काफ़ी अच्छी हमने उसकी रेट्स भी रखी हुई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसको एक्सेस कर सके। यू विल एब्सोल्युटली लव इट, क्योंकि मैं जब स्टूडेंट था ना, मेरे पास कोई ऐसा रिसोर्स नहीं था, मैं खुद अपने से पढ़ता था इनके लिए, तो काफ़ी डिफिकल्टीज आई थी। तो मैंने सोचा यार बच्चों के लिए डिफिकल्टीज अपन रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, एंड लिंक्स ऑफ ऑल माई सोशल्स, ऑल माई कोर्सेज आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। गुड लक।